Hi everyone, today I'm sharing my jewelry collection with all of you. I hope you like it. If you like my video, then don't forget to like, subscribe and comment. Assalamu alaikum, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन जो कि मैं अपने साथ पाकिस्तान से लेके आई थी। वैसे तो मैं अपनी मैक्सिमम ज्वेलरी जो है वो वहीं पे ही छोड़ आई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर इतनी यूज़ नहीं होनी, लेकिन बहुत ख़ास चीज़ें जो मैं अपने साथ लेके आई थी मुझे पसंद थी कि चले कोई इवेंट आ जाता है ईद वगैरह का तो वहाँ पर बंदा यूज़ कर लेता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मैं कहाँ पर कैसे यूज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो ये आपने देखा होगा मैक्सिमम ब्राइडल्स का, तो इसके बाद जो है वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने भी अपनी शादी पे ही लिया था और मेरी शादी को एक साल और कुछ मंथ हो गए हैं, तो फिर मैंने इसको रख लिया था कि चले इसे मैं आगे भी यूज़ करूँगी। तो इसको मैं यूज़ करती होती हूँ कि जो ब्लैक वगैरह प्लेन ड्रेसेस कोई भी होना, तो शर्ट्स वगैरह उनके ऊपर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। उनके ऊपर जब मैं ये कैरी करती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त लुक बन जाती है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ होती है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये सहारे मेरे गोल की जूली के साथ थे, तो फिर मैंने इनको साथ ले आई थी कि कोई बारियर्स वगैरह होते हैं उनमें मतलब जरूरत पड़ सकती है, और एक तीन ईयर्स में थी और एक सिंगल में, तो ये बालों के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लुकिंग की बन जाती है। और ये मेरी हल्की फुल्की सी पायल नाजुक सी,
डायमंड से काफी ट्रेंड चला था यहाँ पर मैंने देखा है। और ये बैंकर्स मुझे गिफ्ट मिले थे, मैं उनको भी साथ में।